मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गुरुवार को 20 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 24,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको फल, बिस्किट, लंच पैकेट और पानी की बोतल देने के बाद उनको उनके जिलों की बसों में बैठा कर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को ही बैठा कर रवाना किया गया। इस संबंध में सीओ गोरखनाथ परवीर सिंह ने बताया कि श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद उनका डिटेल नोट किया जा रहा है। डिटेल नोट करने के लिए 8 काउंटर बनाए गए हैं। उसके बाद उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को उनके जिलों की बसों में बैठा कर रवाना किया जा रहा है। सभी मजदूरों को लंच पैकेट, बिस्किट, फल और पानी दिया जा रहा है। स्टेशन पर यूपी के कई मंडलों के यात्री आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए श्रमिक प्रदीप गुप्ता, आकाश और सीओ गोरखनाथ परवीर सिंह ने कहा। प्रदीप गुप्ता। ट्रेन कहाँ से आई है? ट्रेन धनकौर से आई है। ग्रेटर जाएंगे खुशीनगर। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको पहुँचा दे रहे हैं, अपने अपने राज्य पहुँचा दे रहे हैं। आकाश धनकौर से आ रहे हैं। अभी धनकौर से आ रहे हैं, नोएडा से। कहाँ जाएंगे? मैं जाऊँगा बुधवार। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद योगी जी का। ये विभिन्न ट्रेनें आ रही हैं लगातार, जैसे आप देख सकते हैं अभी आज सुबह से दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई से ट्रेनें आ चुकी हैं। तीसरी ट्रेन है प्लेटफॉर्म 9 पर। यहाँ पे मतलब शासन के मंशा के अनुरूप लोगों को, जो हमारे जिले के नागरिक हैं या सीमावर्ती जिले के नागरिक जो भी यहाँ पर हैं, वो यहाँ मतलब भारी संख्या में आ रहे हैं।
प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के अन्य राज्यों से ट्रेनें जो आ रही हैं उसमें जिला प्रशासन के द्वारा उतरने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिसमें हमारे ठीक शिक्षकगण लगे हुए हैं, और इसके बाद उन्हें भोजन पानी और फल का प्रबंध है वह बगल में देख सकते हैं, और इसके पश्चात यहाँ ये मतलब तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश में जाने के लिए आवागमन की व्यवस्था यहाँ रोडवेज के द्वारा की गई है। एक क्रमबद्ध तरीके से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस, GRP, रोडवेज और शिक्षक कर्मी यहाँ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विगत मतलब 4 दिनों में तकरीबन 26,000 लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर केवल उतारा गया है, जो अपने अपने घरों की तरफ वापस गए। कितने पंजीकरण काउंटर बनाए? यहाँ पे कुल मिला के मतलब 8 पंजीकरण काउंटर हैं, और मतलब प्रत्येक काउंटर पे आप देख सकते हैं 3 से 4 में शिक्षक कर्मी लगे हैं। ये ड्यूटियाँ यहाँ पे चाहे मतलब पुलिस की हो या फिर अन्य किसी विभाग की हो, 24 घंटे अनवरत कार्य कर रही है, चाहे मतलब सिविल सप्लाईज का कार्य हो, रोडवेज का हो, इसके साथ ही साथ शिक्षक कर्मी हैं यहाँ। हम मतलब DM साहब के आदेशानुसार CEO GIDA जो कि मतलब सीनियर IAS अफसर हैं, वो इसका पूरा मतलब सुपरविजन रियल टाइम पे कर रहे हैं।